नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम की ओर से आनंद चिकित्सालय रोड स्थित ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। 8 दिनों तक चलने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को बिना किसी तरह की परेशानी के एक ही जगह पर कई वार्ड के लोगों के लिए होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा मुहैया कराना है। वहीं होल्डिंग टैक्स शिविर के संयोजक ओम प्रकाश कनोटिया ने कहा कि शहर के लोगों को नगर निगम में टैक्स जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और इससे निजात दिलाने के लिए ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 20 से 27 मई तक कार्यालय में होल्डिंग टैक्स शिविर लगाने की पहल की गई है, जिसमें नगर निगम प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चैम्बर कार्यालय में नगर निगम के वार्ड नंबर 19, 20, 21, 30, 35, 36, 37 और 38 नंबर वार्ड के लोग दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा करा सकते हैं, जबकि शिविर में अलग अलग वार्ड से होल्डिंग टैक्स जमा कराने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। शिविर लगाने का उद्देश्य यह है कि शहर के वासियों का भला हो। नगर निगम में जाने में लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है, कुछ लोगों को यहाँ फायदा हो जाए। तो वार्ड नंबर 19, 20, 21 और 30, 35, 36, 37, 38 वार्ड का यहाँ पर नगर निगम का टैक्स होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जो आम पब्लिक को दूर दराज जाना नहीं पड़े और कठिनाइयों का सामना नहीं कर पड़े। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से 2025 तक के लिए ICAR से मान्यता प्राप्त हो गई है। इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि अब BAU के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों में दाखिला मिल सकता है, जबकि ICAR द्वारा मान्यता मिलने से अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा भी यहाँ आकर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। कुलपति ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय को ICAR की मान्यता नहीं मिलने के कारण पिछले दिनों ही यहां के छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए प्रवेश पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इसके कारण बीते 2 वर्षों से ICAR द्वारा किसी छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए BAU नहीं भेजा गया। साथ ही कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि अब BAU को मान्यता मिल जाने से यहाँ के भी छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा, जबकि दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। भारतीय वन्य संस्थान सृष्टि गंगा प्रहरी और पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी की ओर से भागलपुर के बरारी स्थित एक शिक्षण संस्थान में विश्व कछुआ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कछुआ के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा करते हुए जानकारों ने बताया कि भारत में कछुओं की कुल 28 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 13 प्रजातियां ऐसी हैं जो गंगा नदी में पाई जाती है। इस दौरान छात्र छात्राओं को बताया गया कि कछुआ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूचीबद्ध है और इसके प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान गंगा नदी है। कछुआ को जल तंत्र का गिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यही कछुए जल में पाए जाने वाले मृत जीव एवं रोगग्रस्त मछलियों का सेवन करके जलीय पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इधर कार्यक्रम में कछुए की आबादी में कमी को लेकर जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य कारण कछुआ के निवास स्थान को नुकसान पहुँचाने के साथ उसके अंडों का दोहन, नदी तट पर खेती और रेत खनन करना है, जबकि इसका अत्यधिक शिकार करने के अलावा लगातार नदी के जल का प्रदूषित होना भी इसकी कम होती संख्या का कारण है। वहीं विश्व कछुआ दिवस कार्यक्रम में बताया गया कि कछुआ कोई पालतू जीव या भोजन का स्रोत नहीं है, इसलिए इसे पालने की बजाय नदी में छोड़ने और इसके शिकार पर रोक लगाने का प्रयास करना ही इसके संरक्षण का सही प्रयास होगा। साथ ही कछुए की तस्करी एवं शिकार पर रोक लगाने की बात करते हुए वन्य जीव एवं पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि इस तरह के किसी अवैध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को देनी चाहिए, जिससे समय रहते कछुआ को बचाया जा सके। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प भी लिया। मौके पर भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिया प्रजापति, शिक्षण संस्थान के निदेशक अमर कुमार, गंगा प्रहरी प्रशांत समेत कई पर्यावरण प्रेमी और छात्र छात्रा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को भागलपुर पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री MLC शहनवाज हुसैन ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई, जिसके तहत
भाजपा कार्यकर्ता घर घर तक जाकर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी देने के साथ उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। वहीं बैठक में भाजपा नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा और नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दिलाकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। इधर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और पूरी दुनिया आज पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व नेता मानकर कई सम्मान से नवाजने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से जनता का भरपूर सहयोग उनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, जिससे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक बनाएंगे। साथ ही कहा कि दुनिया की कोई ताकत 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। आज की बैठक नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर 30 मई से 30 जून तक अभियान को हम लोग चलाएंगे। 1 महीना बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को बताएंगे कि गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना रहे हैं। जिस तरह से उनके सरकार की उपलब्धि है वो सब जगह बताएंगे। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सिडनी में स्वागत हुआ ऑस्ट्रेलिया में, हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता मानती है और भारत को वो विश्व गुरु बनाएंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भागलपुर अध्ययनरत हर बैच के छात्र छात्राओं को कई नामी गिरामी कंपनियों से प्लेसमेंट का ऑफर मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अमेजोन, नाइका, सैमसंग समेत कई कंपनियां शामिल है और छात्रों को लाखों रुपए के पैकेज के साथ अच्छी जगह पर छात्रों का प्लेसमेंट भी मिल रहा है। इसको लेकर भागलपुर IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि संस्थान की शुरुआत 2017 में हुई, जिसके बाद से अभी तक IIIT संस्थान के 3 बैच में नामांकित सभी छात्र छात्राओं का 100% प्लेसमेंट हुआ है, जबकि एक बार फिर से 2023 बैच के सभी छात्रों को अलग अलग कंपनी से प्लेसमेंट का ऑफर मिला है। निदेशक अरविंद चौबे ने बताया कि 2023 बैच के 7 छात्रों को अमेजोन ने 45 लाख का पैकेज दिया है, जबकि 90 अन्य छात्रों को 16 से 45 लाख तक का पैकेज मिला है, जो भागलपुर IIIT के लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संस्थान में अध्ययनरत 100% छात्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी कायम रहा। बताया जा रहा है कि अब तक 60 कंपनियों ने प्लेसमेंट को लेकर भागलपुर IIIT से कॉन्टेक्ट किया है। 23 बैच का प्लेसमेंट 100% हो गए हैं और ये बैच जो अभी जस्ट पास आउट निकल रहा है, जिसको 23 बैच कह रहे हैं, इनका प्लेसमेंट 100% हुआ और इनका एवरेज पैकेज 16 लाख का हुआ है। तो इस 100% प्लेसमेंट इस शुरू से ही होता रहा है और इस साल भी 100% प्लेसमेंट हुआ है। इस साल जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो अमेजन में गया है, इसमें 46 लाख का पैकेज है और 11 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।